अरे भैया हवा पड़ जाएगी। दोस्तों आज मैं हूँ, मेरे पास है होंडा का एक्टिवा 5G स्कूटर और मैं आज अपने स्कूटर में हवा पड़वाने आया हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ये हवा आपके माइलेज पे भी इफ़ेक्ट करती है कि आपके स्कूटर में अगर हवा कम है या ज़्यादा है तो आपके माइलेज पे फ़र्क पड़ेगा। तो मैं इन भैया से बात कराऊँगा कि आपके स्कूटर या बाइक में कितनी हवा होनी चाहिए सर्दी के मौसम में और या गर्मी के मौसम में। इस समय मैं नवंबर के महीने में हूँ, सॉरी दिसंबर लग चुका है, दिसंबर में बात कर रहा हूँ आपसे। तो कितनी हवा होनी चाहिए भैया से बात करेंगे। इस समय मेरे पास है होंडा का एक्टिवा 5G स्कूटर। तो भैया आप मेरे स्कूटर में बताइए कि कितनी हवा है, चेक करके बताइए। इस समय अगले पहिए में 30 पॉइंट हवा है। तो कितनी होनी चाहिए? 32 होनी चाहिए। 32 होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा या कम होती तो इससे हमारे माइलेज में फ़र्क पड़ता, टायर फटने का चांस रहता है। अच्छा, और जो एवरेज देता है गाड़ी पेट्रोल, तो उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? हाँ पड़ता है। पड़ता है, यानी कि एवरेज भी कम देगा। तो आप इसमें हवा कर दीजिए प्लीज़। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हवा से जुड़ो यानी कि एयर प्रेशर से जुड़े जो भी सवाल आते हैं भैया से और बातचीत करेंगे। तो अभी पहले मैं हवा पढ़वा लेता हूँ कि एक राइट हवा के एयर प्रेशर कितना होना चाहिए एक होंडा एक्टिवा 5G स्कूटर में। भैया डाल दीजिए। तो इन्होंने आगे वाले टायर में हमारे 32 यानी कि जो प्रेशर होता है PSI बोलते हैं जिसको, तो वो डाल दिया है। और पीछे वाले में चेक कर, पीछे में कितनी निकली भैया? पीछे वाले में 28 पॉइंट है। तो पीछे वाले में भी मेरे शायद कम है, कितनी होनी चाहिए? 35 पॉइंट। 35 पॉइंट होने चाहिए। तो देखिए अब मैं डिस्प्ले में दिखा दे रहा हूँ, वो मीटर डिस्प्ले कर रहा है, ये पूरी तरह से डिजिटली इनका पूरा प्रोजेक्ट है। और मैं बात कर रहा हूँ इस समय सोनेती नगर अलीगढ़ से दिनेश ट्रेडर्स वालों के यहाँ। इनके यहाँ पर हवा भरने का काम, ट्यूब टायर का काम, साइकिल के सारे काम होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर भी आकर अपने संतोषजनक जो भी आपको सर्विस लेनी है वो ले सकते हैं। तो सर मेरे ख्याल N2 लिखा, नाइट्रोजन की हवा भी पड़ती है यहाँ पे? हमारे यहाँ नाइट्रोजन भी पड़ती है। तो ये मेरे में नाइट्रोजन डाली है, आपने कौन सी डाली है? मैंने आपके में नाइट्रोजन डाली है। नाइट्रोजन नॉर्मल हवा में और नाइट्रोजन हवा में क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि वो हवा जो होती है गर्म होती है, उससे टायर फटने का डर रहता है। नॉर्मल हवा होती है? नॉर्मल हवा होती है। और नाइट्रोजन हवा? उससे गर्म हवा गाड़ी चलती है, मतलब टायर फटने के चांस कम रहते हैं। राइट, उससे गाड़ी एवरेज भी अच्छा देती है और गाड़ी का पैसा चलता है। अच्छा, ये सर्दियों का मौसम है, आपने इसमें मेरा 32 और 35 हवा डाला है, यही गर्मी का मौसम होता तो ये हवा का प्रेशर चेंज रहता या वही रहता? मतलब ये सर्दियों में सही चलती है और गर्मियों में सही चलती है। अच्छा अच्छा। और जो सादा हवा होती है उसे फटने का टायर बहुत चांस रहते हैं, उसका प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर अच्छा, बढ़ता है उसका। तो भैया का कहने का मतलब ये जो हवा होती है 32 और 35 अगर गर्मियों में हम चलाते हैं तो टायर को फटने का चांस उसमें ज़्यादा रहता है। अच्छा, स्कूटर में और बाइक में अलग अलग हवा पड़ती है, अगर सपोज करो मेरे पास होती है 2-व्हीलर स्प्लेंडर प्लस होती तो उसमें हवा कितनी कितनी पड़ती है आगे पीछे? उसमें 35 पड़ती है और आगे में 30 पड़ती है। उसमें 35 और 30 पड़ती है। तो फ्रेंड्स मेरे सामने एयर प्रेशर डालने की एक मशीन है जो कि स्पेशली कहीं कहीं पर मिलती है, हर शहर में उपलब्ध होगी। ये मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, सोनेती नगर अलीगढ़ से। अगर और मैं भैया से पूछूंगा इस मशीन की खासियत क्या होती है और जो नॉर्मल एयर प्रेशर होता है उसमें क्या मतलब डिफरेंस होता है इस मशीन में और उस मशीन में। तो भैया मुझे बताइए, जो आपकी मशीन है तो इसमें हवा जो पड़ती है बिल्कुल ठीक पड़ती है? बिल्कुल जेन्युइन हवा पड़ती है इससे दोनों हवा पड़ती हैं, नाइट्रोजन भी पड़ती है और सादा हवा भी पड़ती है। जिसमें सादा हवा में पानी का प्रेशर होता है ने N2 में कोई यानी शुद्ध नाइट्रोजन होती है। अच्छा, अच्छा। और उससे टायर फटने का कोई चांस नहीं रहता उसका, गर्मी से लॉन्ग रूट पर चलने पर टायर का प्रेशर नहीं बढ़ता है N2 पड़वाने पर। अच्छा, छोटा सा मेरा सवाल था कि जो नॉर्मल हवा होती है, सपोज करो ये मेरी स्कूटर में आपने 5 रुपये में हवा डाली है, अगर मैं नाइट्रोजन पड़वाता तो उसमें कॉस्टिंग में थोड़ा फर्क पड़ जाता है पैसों में? कॉस्टिंग में फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ जाता है उसमें? इसमें 5 की पड़वाई है तो चेक करवाने टेस्टिंग कराने पर उसमें 10 रुपये देने पड़ेंगे आपके लिए। यानी कि अगर एयर प्रेशर अगर आप नाइट्रोजन पड़वाते हैं तो उसमें जस्ट आपका डबल हो जाता है, कार में भी वही डबल हो जाता है? कार में नॉर्मल हवा कितने रुपये में? उसमें 10 रुपये पर टायर का हिसाब होता है। अच्छा, और इस N2 पड़वाने पर और पहली बार पड़वाने पर 100 रुपये चार्ज जाता है इसका। अच्छा, सारी हवा निकाल देते होंगे? हवा निकाल के फिर दोबारा नाइट्रोजन फिलिंग की जाती है, फिर कभी उसके बाद में जब टेस्टिंग कराओगे तो 10 रुपये पर टायर का हिसाब जाता है। तो मुझे जानकारी दे दीजिए, अलीगढ़ में और कहीं ये प्रोजेक्ट है या नहीं है? अलीगढ़ में कई, अब तो कई आ चुके हैं। अच्छा, अलीगढ़ में मसूदाबाद पे भी आ चुके हैं,
इस पर धनीपुर मंडी पे अभी आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं इस समय सोनीति नगर से बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको भी अगर नाइट्रोजन हवा पड़वानी हो तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और नाइट्रोजन गैस फ़ायदेमंद भी होती है, आपका जो टायर होता है, और अगर लॉन्ग रूट पे आप जाते हैं कार में या स्कूटर पे या बाइक में, तो आप जो गर्म होता है चलने पर चक्का, वो आपका गर्म नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, नॉर्मल हवा से गर्म हो जाता है, उससे टायर फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा भैया मुझे ये बताइए, हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव हवा पड़ने से रिगार्डिंग, प्रेशर पड़ने से रिगार्डिंग आप क्या क्या बताना चाहेंगे अगर वो हवा पड़वाने जाते हैं किसी दुकान पर या शॉप पर, आप बताएं। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, कभी भी हवा डरवाएं तो मशीन से डरवाएं। मशीन से? हाँ। इस टाइप की मशीन से? इस टाइप की मशीन से डरवाएं। अच्छा नॉर्मल वाली जो मशीन होती है कौन सी होती है ज़रा बताएं? ये होता है मीटर। अच्छा अच्छा, ये मीटर होता है दोस्तों। इससे क्या होता है कि इससे प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जो रीडिंग दिखाता है वो रीडिंग होती नहीं है, नहीं होती है। ओके, कम और ज़्यादा का चांसेस रहता है, इससे टायर फटने का चांस रहता है। ओके, ओके। और जो ऐसे अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कि इससे नॉर्मल हवा पड़ती है पूरी। अच्छा अच्छा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा पेट्रोल पंप पे भी एक हवा प्रेशर्स के कुछ लगे रहे हुए हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो एक्यूरेट हवा डालते हैं पेट्रोल पंप वाले, या उसमें भी कम बढ़ होती है? आप उसमें भी कम बढ़ होती है, उसमें भी कम बढ़ होता है, यानी कि दोस्तों तो फिर आप खुद समझदार हैं किस तरह से आपको हवा पड़वानी चाहिए। तो ये थी मेरी जान छोटी सी वीडियो एयर प्रेशर से रिगार्डिंग, कि आपको टू व्हीलर वाहनों में किस तरह से हवा पड़वानी चाहिए। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो जानकारी वाली लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं इसी तरह की जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।